सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को देश के हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताते हुए सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, कॉलेजियम ने 11 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए 80 नाम भेजे थे। ये नाम पिछले 10 महीने से पेंडिंग थे। 4 दिन पहले सरकार ने 10 फाइलों को मंजूरी दे दी, लेकिन 70 फाइलें अभी भी लंबित हैं। आपको बता दें कि जिन 70 जजों के नाम लंबित हैं, उसमें 9 जजों के नाम कॉलेजियम ने पहली बार भेजे हैं, 7 नाम दूसरी बार भेजे गए हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रमोशन के लिए भेजा गया है, वहीं 26 नाम ट्रांसफर के लिए भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी से कहा, आप हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर सरकार से निर्देश लें और नामों को अप्रैल के आखिर तक मंजूरी दें। इस पर वेंकट रमणी ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि देर होने पर कुछ लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है और उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसमें से 1-2 लोग बहुत योग्य थे। अटॉर्नी जनरल ने जो आश्वासन दिया है, उसके बाद मैं हर 10 दिन में इस मुद्दे को उठाऊंगा। मैंने इस मामले पर बहुत कुछ कहने के बारे में सोचा था, लेकिन वो 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूँ। गौरतलब है कि बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन की तरफ से दाखिल उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को मंजूरी देने में समय सीमा का पालन नहीं किया। ये अदालत के 2021 में दिए गए फैसले का उल्लंघन है। ऐसे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। बहरहाल, मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।